या तो मैं यूज कर रहा था नोट पैड में कोड बना बना के उसको वन बाई वन रन कर रहा था ठीक है अरे यार इन सबसे वैसे अगर तुम जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तो ऐसे काम नहीं होता है समझ में आया ऐसे काम नहीं होता है तो कायदे से काम होता है भाई वहां पे वहां पे प्रॉपरली फोल्डर्स बनते हैं मॉड्यूल uh, बनते हैं बहुत बड़े बड़े कोड बनते हैं तो आप लोगों को आदत डालनी होगी प्रोफेशनल जब आप मेरे छह सेशन देख लोगे ना अभी स्टार्टिंग से वन से लेकर छह तक सेशन जो भी है तो आप लोग इसकी आदत डालना किसकी आदत डालना इन्हीं सब की आदत डालना कि हम लोग पहले यहाँ पे टाइप करें अपने कोड को जब हमको यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम लोग नोट पैड में बनाना सीखे कोड को ठीक है और जब आप लोगों को लगे कि यार हम लोग बहुत अच्छे हो गए हम लोग बहुत ज्यादा अब हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे काम करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म ले लो बहुत अच्छा मतलब वहां पे प्रॉपरली कोड हो तो आज जो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ ना पाइचाम के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्या करना होगा आप लोग डाउनलोड से गूगल में जाओगे क्रोम में और यहाँ पे सर्च करोगे पाईचाम इंस्टॉल ये भी एक आईडी है इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब पाइचाम एक आईडी है तो पाइचाम इंस्टॉल लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे जेड ब्रेन्स वाले दिख दिख रहे रहे हैं इज इट सर साथ के साथ अगर जो लैपटॉप में वीडियोस देख रहे हैं तो वो कर सकते हो तो यहाँ जेड ब्रेन्स ठीक है यहाँ पे क्लिक करो तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोग इनके सेशन में आ रहे हो गए यहाँ पे सॉरी uh, एक मिनट आई एम गोइंग बैक यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल पाइचाम यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड पाइचाम python id for professional इसको क्लिक करना प्रोफेशनल्स अगर आप छह सेशन के बाद कंफर्टेबल तो अब यहाँ पे दो वर्जन देख रहे होंगे देखो पहले तो वो बता रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मैक लिनक्स तो तीनों एनवायरमेंट के लिए है पाइचाम तो अगर आप विंडो में काम कर रहे हो तो प्रोफेशनल और कम्युनिटी दिखाएगा मैक में काम करोगे तो प्रोफेशनल कम्युनिटी में काम करोगे तो प्रोफेशनल कम्युनिटी तो अभी मैं तो विंडो में काम कर रहा हूं। तो अब इस गलती से भी प्रोफेशनल वाला मत करना क्योंकि ये ये दिन दिन का होता है और 30 के बाद ये अपने आप ही काम करना बंद कर देता है ये ये पेड वर्जन होता है वैसे तो बोला जाए तो लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट uh, हो ये सब हो ये तो कम्युनिटी को मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है अभी फिलहाल के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो आपका पाइथन डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा जैसे तो करूंगा कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे प्रोफेशनल आएगा और कम्युनिटी आ रहा है आ रहा है तुम्हें रहा है? तो कुछ नहीं करना है बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कैंसिल क्योंकि मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ दिखा देता हूँ तो तो यहां तक समझ में आया कैसे डाउनलोड करना है है ना कुछ भी नहीं करना है अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ गूगल क्रोम में सर्च करना है क्या सर्च करना है क्या सर्च करना है, सर्च करना है गूगल क्रोम में पाइचाम पी वाई चाम इंस्टॉल ठीक है और यहाँ पे आएगा डाउनलोड पाइचाम यहाँ गए यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ पिक करना है कम्युनिटी वर्जन विंडो के लिए कम्युनिटी और डाउनलोड पर क्लिक करो ये डाउनलोड होने लग जाएगा कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में ठीक है तो फिलहाल के लिए जैसे मैं बता दें तो मेरा डाउनलोड हो रखा है अब आप लोगों को क्या करना है इसको चलाना है मतलब इसको इंस्टॉल करना है तो आप इसको डबल क्लिक करो ठीक है तब तक के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता तो इसको डबल क्लिक करोगे ठीक है ईजी इंस्टॉलेशन कोई भारी भरकम काम नहीं है तो देखो आएगा डू यू वांट टू रन दिस फाइल तो बोल दो हाँ भैया रन ही करना है और कुछ नहीं कुछ चेक है तो चेक कर देना और रन कर देना ठीक है तो इट विल टेक सम टाइम इंस्टॉलेशन के लिए ये दो मिनट के लिए टाइम लेगा अब देखो कुछ पॉपअप uh, मतलब कुछ मैसेजेस बोलेगा तो देख लेते क्या बोल रहा है वो हमें उसी के अकॉर्डिंग करते हैं काम हाँ क्या बोल रहे हो कुछ ये पूछ रहा है मेरे से रन यस कर देना हाँ कोई कुछ बोल रहा है तो डाउनलोड हो जाएगा तो वेलकम टू पाइचाम कम्युनिटी एडिशन सेटअप मैं बोल रहा हूँ हाँ भैया मुझको तो करना है अब ये बताएगा किस लोकेशन में जाके इंस्टॉल हो जाएगा तो रहने दो जहां हो रहा है होने दो ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट कर देना कुछ छेड़छाड़ मत करना यहाँ कुछ ऐसा कुछ आएगा तो फिर नेक्स्ट कर देना और ये बोलेगा जेट ब्रा हाँ, मैं बोलती है अब बस इसको चलने देना ये कुछ टाइम लेगा और इट इट विल विल टेक सम टाइम एंड इंस्टॉल तब तक मैं बात कर लेता हूँ तो किसी को कोई दिक्कत तक को बड़ा मजेदार चीज है यार ये यहाँ काम करोगे ना तो आप लोग फील आएगा अरे यार अब तो हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं भाई अब हम लोग काम करेंगे अब ये नोट पैड और आईडी में काम करने का मन नहीं है मैं करूंगा पाइचाम में काम और आप बन जाओगे पाईचाम डेवलपर बड़ा अच्छा है ये प्लेटफॉर्म यहाँ मजा आएगा काम करने में आप लोग बोलेगा अरे यार ये तो गजब चीज है किसी को कोई क्वेश्चन नो सर हाँ पूछो पूछो शंभु किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो बेसिक तो ये इट विल टेक सम टाइम तो ये काफी आ, इन, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इंस्टॉल कर लें पाइचाम को और पाईचाम का है सर चार सौ सत्तर है तो क्यों डर लग रहा है क्या नहीं है सोलो रहा है। चल रहा रहा है है तो हो धीरे-धीरे। अच्छा तुम लोगों के यहाँ इंटरनेट की दिक्कत रहती है ना सर, सर, बहुत दिक्कत अरे यार ऐसा है यार आज के डेट में जियो ने यार हर जगह फ्री है अपने कॉलेज वालों को बोलो ना सर क्या रोते रहते हुआ पता है बहुत ही गंदी बात है यार कॉलेज वालों को बोलो यार कॉलेज वाले लगाओ यार इतना पैसा ले रहे हो हम लोगों से गवर्नमेंट है सर अच्छा गवर्नमेंट है यार जितना दे रहे हो उतना तो यूज़ करो <laughs> गवर्नमेंट की जान मिनट भी दे रहे हैं। लेकिन आ, दो थोड़ा, अच्छा वाईफाई फाई वाओ बढ़िया यार आज के डेट में नेट फ्री है देखो अंबानी अंबानी लोगों की देन है देखो पापा अंबानी अंकल ने 2000 में हमारे लिए आउटगोइंग फ्री कर दी थी पहले आउटगोइंग के चार्ज नहीं पड़ते थे हम किसी को कॉल कर रहे तब भी हमारा पहला पैसा कटता था और बेटू ने 2018 में इनकमिंग फ्री कर दी तो हम तो शुक्रगुजार हैं हम तो अंबानी के भाई बाप बेटू ने हमारा हम लोगों के लिए क्या कर दिया इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री कर दी वरना तो भाई ये वोडाफोन एयरटेल इन सब ने लूट मचा रखी थी <laughs> सर गलत आदत भी लग गया है सर सोच भी दी देखते हैं सर यार आज की डेट में इंफॉर्मेशन फ्री हो गई ना यार पहले साल बैठे रहते थे एक जगह अब चलता रहेगा बफर आता रहता था चलता ही नहीं था नेट यस सर आज फास्ट पहले फॉरवर्ड अभी सोचो तुम तुम और मैं जूम में बात कर पा रहे हैं तो पहले कर भी पाते पता चल रहा था इतने में हजार दो का बिल आ जाता <laughs> नहीं आ जाता तो यार शुक्र मानो कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना चीज फ्री कर दी अब उसका सही यूज करना आप पे डिपेंड करता है बहुत बच्चे तो पता नहीं क्या क्या यूज करते होंगे इसका <laughs> अब ठीक है तो यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा देखो ये फिनिश हो गया तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ ठीक है तो ये बड़, बड़ा मजेदार प्लेटफॉर्म है यार तुम बोलोगे अरे सर ये तो गजब चीज बता दी आप इसमें तो हम लोग यार खेलेंगे डुबकियां मारेंगे इसमें पाईचान को खा जाएगा इसमें अब इसमें कोड करना लग जाओ इसमें क्या रहेगा ना ये ये जो मैं फोल्डर रोज बना रहा था ना कहा बना रहा था ये डे वन डे टू फिर इनके अंदर कोड डालो फिर तुम्हें जिप दो अरे यार कोई नहीं ये सारा काम ना एक ही जगह कर लो एक ही जगह तुम सारा काम कर सकते हो और रोज तुम देख सकते हो डे वन अब तो साइड डल गया तो यहाँ पे तुम सर्च करो यहाँ पे डालो पाईचाम अपने सर्च बॉक्स में आ रहा है ना कम्युनिटी एडिशन क्लिक करो क्लिक करो भाई यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जब भी तुम एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे भाई साहब में तो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ तो ये फर्स्ट टाइम ना बहुत टाइम लेता है यार खुलने में लेकिन जब इसको तुम यूज कर लोगे ना तो ये फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करेगा तो फर्स्ट टाइम में तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा ओपन होने में थोड़ा ढीला ढाला रहता है ठीक है ये देखो तो कितना अच्छा लग रहा है ग्राफिक है ना तब तक बाकी बच्चे सर्च करना कि यार कम्युनिटी और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस होता है प्रोफेशनल सिर्फ थर्टी तीस दिन के लिए है और उसके बाद वो तुमसे दुनिया भर की चीजें मांगे लेकिन जो आ, आपका कम्युनिटी वर्जन है वो अच्छे से काम करता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए यूज करते रहो उसको ठीक है तो ये हमें कुछ बोल रहा है कॉन्फिक ओके okay, कर दो यार जो भी है अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना अभी मेरे को जल्दी जल्दी चलाने का है खुल जा बाबा सिम 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 पाए जा तो ठीक है तो ये एक प्लेटफॉर्म है तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है भाई ठीक है लेकिन बाद जब तुम बार बार यूज करने लग जाओ ना तो ये मस्त मक्खन जलेगा भाई अभी फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा टाइम लेगा सेटअप इंस्टॉलेशन खुद एडजस्ट करेगा सारे पैरामीटर और यहाँ पे तुम कोड करोगे ना बहुत सही लगेगा तुम्हें फालतू का मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ फिर यहाँ जा रहा हूँ सी में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ ये मेरे को बड़ा बोरियत काम लग रहा है नहीं है अब देखो ये पॉपअप आया खुला तो ये बोल रहा है कि अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता मैं बोला न्यू प्रोजेक्ट ठीक है मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया ठीक है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकेशन कहाँ है आपके प्रोजेक्ट में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर लो और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ यार मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ पंकज के प्रोजेक्ट क्या नाम रख दिया मैंने पंकज के प्रोजेक्ट है ना ऐसे कुछ भी नाम रख लो यार जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है मैंने तो ऐसे ही फन के लिए रख दिया कि पंकज के प्रोजेक्ट होंगे और देखो दो चीज है या तो तुम अगर इसका वर्चुअल इन्वा इंटरप्रेटर या तो तुमने अपना पाइथन अगर सेटअप किया है ना तो वो वाला ले लो प्रीवियस अगर तुमने अपना कोई पाइथन सेटअप किया तो यहाँ पे ऐड कर लो इंटरप्रेटर इसमें भी ये दो ऑप्शन बताता है इसमें भी ये दो ऑप्शन बताता है या तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का ले लो या तो अगर आपने कहीं सिस्टम में पाइथन डाला तो वहां कर लो तो मैंने सिस्टम में इस लोकेशन में पढ़ा हुआ है देखो लोकल प्रोग्राम पाइथन याद है ना पाइथन हमने जब इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम ये वाला ये जो थ्री पॉइंट नाइन ऑन द डे फर्स्ट तो वो वाला बात बता रहा है बाय डिफॉल्ट उठा रहा है तो चलो यार मैं इसी को ले, ले लेता हूँ ओके करता हूँ तो अब यहाँ पे पिक भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे देखो ले लिया उसने मेरा ये वाला उठा लिया और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ ठीक है तो अब देखो क्या जबरदस्त एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म खुलेगा अभी क्या है देख लेते हैं उसे ठीक है तो यहाँ पे देखो यार बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे तुम्हें काम करने में मजा भी आएगा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है ये प्रिपेयरिंग वर्क वर्क स्पेस ये हमारे लिए वर्क स्पेस प्रिपेयर कर रहा है हेलो मेरी वॉइस ऑडिबल है यस yes. तो देखो okay. एक एक मॉड्यूल बना के देगा दे आपको ठीक है कोड बना रखा है कि बच्चों को डर ना लगे कि क्या है तो पंकज के प्रोजेक्ट के अंदर इसने एक मॉड्यूल बना दिया मेन डॉट पी वाई नाम से एक बना दिया वैसे मैं सिखाऊंगा कैसे बनेगा तो अभी ये बोल रहा है इसको टेस्ट करके देखो तो इसने अभी कुछ किया नहीं है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है प्रिंट हाई नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर नेम एक वेरिएबल पास किया एक आर्गूमेंट पास किया अभी तक पढ़ते आ रहे थे और क्या करवा रहा है एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा है हाई और ये नेम प्रिंट जितनी बार डालू तो जैसे यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है इसके भी बारे में बताऊंगा डिटेल में भाई बहुत जबरदस्त चीज है इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा और यहाँ प्रिंट हाई को मैं एक पाइचाम एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और ये प्रिंट कर देगा हाई और देखो इसको यहीं पे रन कर सकते हो यार यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना टॉप में ये देखो रन रन पे क्लिक करो यहाँ आ रहा है रन रन मेन तो जैसे ही इसको ना यहाँ आउटपुट दिख जाएगा देखो नीचे ही खुलेगा आउटपुट ये यह देखो यहाँ पे कर दिया हाई पाइचा अब देखो चलो अब सर तुम हमको एक कोड बना के देखो तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा प्रोजेक्ट है पंकज के प्रोजेक्ट राइट क्लिक करो यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू कॉपी कॉपी पाथ पेस्ट फाइंड इन अ फाइल रिफैक्टर ब्ला 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 इतनी कहानी तो मैं गया न्यू में न्यू में मैंने बोला भाई मेरे को एक फाइल बनानी है क्या बनानी है एक फाइल तो मैंने क्या किया मैं बना रहा हूं एक फाइल इस फाइल का नाम मैं रखना चाहता हूं कुछ भी रख लो आज हमने क्या पढ़ा हम जैसे हमने पढ़े आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़े तो आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक बना लो ए आर जी यू एम ई एन टी एस और .py मैंने रख लिया आर्गूमेंट्स डॉट पी वाई तेरा एक फाइल बन गई मेरी और ये रहा मेरा मॉड्यूल का नाम अब अपना कोड उठा लेता हूँ यार ये था ना मेरा कोड इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से ये अभी मैंने पढ़े अच्छे से डिटेल में पढ़े क्वाक्सा क्वाक्स, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं यही ना फिर पढ़ाया था मैंने कि ये मेरा फंक्शन है आग क्वाग इसके अंदर मैं एक नॉर्मल आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ एक आग और एक क्वाग और उनको प्रिंट करवा रहा हूँ और फिर ये था एक नंबर यूजर से इनपुट करवाया और ये पास किए ये मेरे कीवर्ड वाले थे ये मेरे नॉर्मल आर्गुमेंट थे और फिर पास अब इसको देखो यहीं पे रन कर लो यार अब तुम्हें क्या यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है रन में ये पूछ रहा है रन मेन या डिबग मेन तो अगर तुम रन मेन करोगे ना तो ये ये मेन फंक्शन को रन करेगा देखो करो अभी भी हाई पाचाम ही करे हो लेकिन अगर रन में जाओगे ना भैया मेरे को मेन नहीं करवाना है अभी जहां पे हूं मैं वो रन करवाना है तो मैंने उसको क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कि आप अपना इसमें मेन फंक्शन बनाओ तो आप कुछ मत करो या तो इसमें राइट right क्लिक करो यहीं पे इस वाले मॉड्यूल पे और रन फाइल इन अ पाइथन कंसोल एक मिनट है अच्छा ये पाइथन के कंसोल में कर रहा है एक मिनट है सॉरी 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 रन ये देखो ऑप्शन आ रहा है ना जब यहाँ रन में जाओगे ना यहाँ पे रन करोगे तो पूछेगा आपको मेन वाला चलाना है कि आर्गुमेंट वाला मैंने आर्गुमेंट वाला सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो सब यहीं पे प्रिंट कर देगा और ये पूछ रहा है ना मेरे से कि भैया एंटर अ नंबर तो मैंने एक नंबर डाल दिया हंड्रेड ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है क्या एरर दे दिया अच्छा यार ये पाइथन का कंसोल भी चला दिया मैंने यार एक गड़बड़ी कर दी पाइथन का कंसोल भी चला दिया। variable, अभी ये ना, के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा पहले अभी मैं तो फिलहाल रन पे गया मेन ही चला यार मेरा अभी ठीक है अभी मैंने main, main ही चला रहा हूँ ठीक है सेव कर दिया और अगर मेरे को आर्गोमेंट वाला चलाना है तो रन 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 के बारे में गया यहाँ पे आर्गुमेंट स्टॉप एंड रीरन रन स्टॉप बैक एंड में चल रहा है प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है एक प्रोसेस वैसे भी तो ये एंटर अ नंबर बोल रहा है तो मैंने नंबर हंड्रेड डाल दिया तो ये देखो सारा का सारा प्रिंट करवा दिया उसने

और डेफ शो नाम का एक फंक्शन बनाया और यहां पे लिख दिया मैंने प्रिंट पंकज कुछ भी लिखो यार जरूरी फंक्शन ही बनाना है ऊपर तुम वेरिएबल करवा लो जो भी तुम्हें लिखना है वेरिएबल प्रिंट करना है प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करके मैंने लिख दिया प्रिंट एफ स्ट्रिंग क्या लिख रहा प्रिंट कुछ भी जो क, कल तक जब से करते आ रहे थे इंडिया लिख दिया इंडिया वो। जो ऑन द डे फर्स्ट से करते आ रहे हैं ना सब कुछ यहाँ पे कर लो तो मैंने यहाँ पे कर दिया शो को कॉल ये फंक्शन कॉल कर दिया मैंने ठीक है तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ गया रन में यहाँ रन आएगा ऑप्शन यहाँ पे पूछेगा आप कौन सा करना है अच्छा इसको थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसको सेव कर लो तुम तो। ठीक है और रन पे गए अभी ऑप्शन नहीं दे है यहाँ पे आ... अभी तो मेन को चला रहा है एक मिनट इसको राइट क्लिक करो रन फाइल अ पाइथन कंसोल एक मिनट यार ये तुरंत क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा है रन, रन, रन। लेता है क्या एक मिनट है इसको पहले एक बार कंसोल पे चला लेता हूँ ठीक है तो फिलहाल के लिए गई आप लोग ना बाई चाम का ये वर्जन डाउनलोड कर लेना ठीक है और मतलब इसको इस पर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये कंसोल में एक बार हम लोगों ने इसको चला लिया है इंडिया और पंकज सिंह और फिर इसको एक बार आप रन में जाओ और रन वाले सेक्शन में जाओगे तो ऑप्शन आने लग जाएगा डेमो का तो एक बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा तो एक बार मैंने कंपाइल कर लिया डेमो का अब यहाँ से भी आप चला सकते हो उसको तो अब ये आ जाएगा पंकज सिंह इंडिया और पंकज सिंह ठीक तो तो है।, है।, है, ब्लैक -ब्लैक है मजा नहीं आ रहा यहाँ पे तो नोट था सफेद था तो हम लोगों को अच्छा लग रहा था तो आप चाहो तो ब्लैक में भी काम कर सकते हो कैसे काम कर सकते हो उसकी फाइल में जाओ फाइल में और यहाँ सेटिंग्स वाला ऑप्शन होगा यहाँ सेटिंग्स में ना अभी तो फिलहाल के लिए मैं दो ही सेटिंग्स बता रहा हूँ आप लोगों को तो आप बाकी आप एक्सप्लोर करते रहना और ये ये को, ये पता है आपकी लोकेशन में भी सेव हो रहे होंगे ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे डेल अभी फिलहाल सेटिंग का बताता हूँ तो सेट सेटिंग है यहाँ अपेयर सारा होगा अपेयर होगा तो यहाँ पे देख रहे हो ना अभी ड्रैकूला ये जो ब्लै बैकेंड में है ना ड्रैकूला है आप चाहते हो मेरे को इंटेलिजेंट लाइट रखना है तो जैसे इंटेलिजेंट राइट रखोगे ना देखो तो सब सप, सफेद सफेद हो जाएगा देखो ऐसे काम आ जाएगा तब यहाँ पे भी कर सकते हो आप बोल रहे हो सर मेरे को वाइट वाइट वाले में काम करना है हेलो एम आई ऑडिबल तो हाँ, तो ये वाइट वाले में काम कर सकते हो तो अगर आप लोगों को लग रहा है यार ये वाइट वाला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मैं कोई और यूज करू तो सेटिंग में अगेन जाओ वहां पे और भी ऑप्शन है यहाँ यहाँ देख रहे हो हाई कंट्रास्ट देखो हाई कंट्रास्ट कैसे आएगा एकदम मुंह पे मारेगा मेरे को तो सबसे बेकार लगता है देख रहा कितना चमक रहा है अलग ही लग रहा है भयंकर है।, <laughs> है ना हाई कॉन्ट्रास्ट और ये देखो ये दिखाता भी भाई इस प्लेटफॉर्म के अभी ना बेनिफिट और भी बताऊंगा ना तुम्हारा दिमाग ब्लो हो जाएगा मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है भाई जान तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट का अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो इस पर काम कर लो अदरवाइज मैं तो मेरे को बहुत बेकार लगता है लेकिन बच्चों को फैसिनेटिंग लगता है तो बच्चे ले लेते हैं और ड्रैकुला है विंडो टेन लाइट विंडो टेन लाइट देखना चाहते हो तो विंडो टेन लाइट में और ही लाइट आ जाएगा तो ये सारे इसके फीचर्स हैं तो मैं तो यूज करना चाहूंगा ड्रैकुला ड्रैकुलर मेरे को अच्छा लगता है इसमें मेरे को काम करने में मजा आता है ठीक है ये बताता भी है जैसे फॉर है तो देख रहे हो रेड से दिखा रहा है तो ये बोल रहा है रिजर्व की है क्या है ये रिजर्व की है तो जितने भी रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना उनको ऑरेंज कलर से दिखा रहा है तो तुम लोगों को पता भी रहेगा तुम्हारे दिमाग में रहेगा यार ये कलर रेड क्यों आ रहा है तो ये रिजर्व कीवर्ड होगा ये क्या है यार ये तो हम यूजर ने बनाया होगा ये यूजर का होगा जो स्ट्रिंग होगी वो यार डबल कोर्स के अंदर आ रही है और जो वेरिएबल हो रहे होंगे वो नीले रंग से दिखा रहा होगा तो बहुत बेनिफिट है इनके कलर्स के इनके कलर्स से भी तो समझ सकता है कि मतलब ये सब चीजें रिजर्व है कौन सी फंक्शन है कौन से क्या है समझ रहे हो तो इसके ये वाले बेनिफिट भी हैं और एक बेनिफिट और है अगेन सेटिंग में जाओ और ये चीज जरूर कर लेना यहाँ एडिटर है ना एडिटर में जर्नल में जाओ जर्नल में और यहाँ पे तुम कर लो ये आ रहा होगा चेंज फॉन्ट साइज विथ कंट्रोल माउस व्हील इन इस वाले को चेकबॉक्स को क्लिक करो और अप्लाई करो और ओके okay कर दो इसका बेनिफिट क्या है ना देखो कंट्रोल का मैंने बटन दबाया अपने की में और माउस से वो जो सर्कल नहीं होता व्हील टाइप का उसको घुमाओ तो ये देखो बड़ा कर देगा छोटा कर देगा मतलब तुम फॉन्ट साइज अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो यार बड़ी मजेदार चीज है ये फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने का है तो ये वाला ये दोनों सेटिंग्स को अपने में अनेबल कर लेना तो इसमें काम करने में मजा आएगा देखो अगर मेरे को दिखाना है किसी को हाईलाइट करके ये, ये पढ़ाने वाला ये दो सेटिंग से मैं ना काम कर सकता हूँ बहुत अच्छे से और, और भी सेटिंग्स से, है आप लोग उसको एक्सप्लोर करना सेटिंग्स से में जाना इतने सारे फीचर्स हैं तो आप लोग बताना मुझे अगर कोई किसी ने कुछ नया यूनिक देखा तो बताना कि सर मैंने ये सब चीज किया है और देखते कौन कित कौन इसको एक्सप्लोर कर सकता है वर्जन कंट्रोल ये भाई ये तो बहुत गजब चीज है ये मैं आप लोगों को जब आप लोगों एक्सपर्ट हो जाओगे पाइथन वाइथन में तो वर्जन कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा इससे मतलब गिटहप आप अपना कोड पब्लिकली रख सकते हो गिटहप में गिटअप अपने में एक मजेदार चीज है सीआईसीडी पाइपलाइंस के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा बिल्ड भी कर सकते हो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो लैंग्वेजेस आप कौन कौन से प्रेफर करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो ठीक है टूल्स के फीचर्स है ये सारे टूल्स हैं तो बहुत सारे फीचर्स हैं यार इसको एक्सप्लोर करना अभी के लिए तो मैंने एक दो फीचर बता दिए कि आप लोग इसका यूज करना स्टार्ट कर दो और इसकी लोकेशन है जहां पे ये कोड रखता है तो ये वाली लोकेशन है देखो सी में यूजर डेल पाइचाम प्रोजेक्ट इसके अंदर तो यूजर के अंदर डेल है और डेल के अंदर आपका पाइचाम प्रोजेक्ट यहाँ आपके सारे जितने भी बनाओगे ना सारे प्रोजेक्ट इसी लोकेशन में सी में जाओ यूजर्स में जाओ डेल में जाओ यहाँ एक पाइचाम नाम से आएगा देखो पाइचाम आप और जगह भी लोकेशन दे सकते थे पाइचाम प्रोजेक्ट इसके अंदर है मेरा प्रोजेक्ट तो ये देखो ये मेरे सारे कोड है पाइथन फाइलें हैं सारी सारी तो आप यहाँ से भी मैनुअली खोल सकते हो राइट क्लिक किया इसको नोट पैड में खोल लो कहीं पे भी खोल लो एडिट विद नोट पैड कर दिया तो आप नोट पैड में भी देख सकते हो कि क्या लिखा था मैंने क्या नोट किसी में भी खोल सकते हो तो इनके बाकायदा लोकेशन है वहाँ पे भी जाके ये सेव हो जाते हैं ये वाला कोड था ना ये ऐसे फीचर्स रहते हैं तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका है स्टोर हो जाता है तो ये ये फीचर्स हैं यार इसके। ठीक है और भी हैं इसके फीचर्स जैसे कि आप इन बिल्ड अगर आप जैसे मेन लिख रहे हो ना तो ये बता देगा कि मेन क्या है तो मेन के फंक्शंस बता देगा मतलब आप कुछ भी यूज करोगे ना सबके बारे में फंक्शन बताएगा फंक्शन सम सम में आई ट्रिबल्स आ जाएंगे ये ब्ला, ब्ला, ब्ला ये सारा का सारा चीज आ जाएगा है ना एक मिनट गाइस Kumar. okay, I'm just kidding. Hey, hi everyone. Uh, uh, again, I'm talking about like uh, PyCharm. PyCharm के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम हर फंक्शंस के फीचर्स ये सब सब कुछ देख सकते हैं. ठीक है. तो PyCharm को लेके किसी को कोई कंसर्न, कोई डाउट? समझ में आया? कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है? हाँ yes, सर. है ना तो इसको आई होप कि आप लोग आज जाते ही इसको इंस्टॉल करोगे और अपने और मुझको शेयर करोगे फीडबैक हाँ सर हमने इंस्टॉल कर लिया ठीक है यार दे लो मेरे को बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ तो आप लोग इसको जितना यूज कर सकते हो करो कोई भी डाउट इंक्वारी होगी तो पूछना ठीक है सो आई एम गोना स्टॉप दिस वीडियो और uh, हम लोग अपने नेक्स्ट uh, uh, मतलब आई विल अपलोड दिस वीडियो एंड आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो पंकज मेरा पंकज हडूप वाले में जा सकते हो मैंने आप ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे कि आप मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कि आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा मतलब आप लोगों को डायरेक्टली वीडियो एक्सेस मिल जाएगा आप यूट्यूब में जाओ यूट्यूब में कहा देख रहे हैं सर वहाँ वीडियो है तो सब लेक्चर कहाँ है यार तुम्हें तुम क्या नेट का फालतू चीजों के लिए यूज करते हो क्या कभी यूज नहीं करना है ये सब। ये सब तो बहुत आप लोग नेट को ज्यादा यूज नहीं करते उल्टे सीधे काम के लिए फेसबुक चला लिया इंस्टाग्राम चला लिया उसने के लिए यूज कर रहे लेक्चर दिख नहीं ना सर, सर, दिख रहा है उसमें सब ब्लॉग लग रहा ब्लॉग नहीं है पंकज सिंह हडूब डालो तो सर नेट स्लो चल रहा है आज मेरा यूट्यूब स्लो चल रहा है प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है यहाँ पे डालोगे ना आप चैनल पे जाओ मेरे वहाँ प्लेलिस्ट आपको दिखेगी यहाँ गए आप यहाँ पे जैसे पंकज दिख रहा है इस पर क्लिक कर लो ये खुला है यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा है इस प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है पाइथन बेसिक इसको तुम या तो तुम सब्सक्राइब कर लो यहाँ तो प्लेलिस्ट में डालो अभी तो दो ही वीडियो देखेंगे तुम्हें सारे अपलोड हो जाएंगे आपके तीन चार दिन में क्योंकि अभी मैंने शेड्यूल वाले पोर्शन में लगा रखा है सबको समझ रहे हो तो आज के लिए इस वाले वीडियोस को मैं स्टॉप कर लेता तो, हूँ ठीक है और आई एम जस्ट गोइंग And this section, manage recording. So thanks for watching.